गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज हम बस ऐसे ही व्लॉग शुरू कर रहे हैं। हमें सिर्फ बगल की दुकान तक जाना था और बाइंग फ्रूट्स, बट हम लोगों ने सडनली सोचा कि हम थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करते हैं। थोड़ा क्या, बस 5 मिनट का लॉन्ग ड्राइव। हम हमारे घर के पास इतनी प्यारी प्यारी डेस्टिनेशन से इतनी प्यारी प्यारी, तो अब आपको दिखाते हैं कि हमने अपने घर के 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस में क्या क्या एक्सप्लोर किया। सो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। बस अब हम गाड़ी पार्क करी है हमने और हम थोड़ा सा 5 मिनट का पैदल पैदल रास्ता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, जो हम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, आरुष और उसके पापा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वाह, देखो पहला ही नज़ारा कितना सुंदर है। आप देख सकते हैं आगे कितना बड़ा प्लेन एरिया है, नदियां हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लोग हैं। थोड़े बहुत लोग ही इस जगह के बारे में जानते हैं। ये ज़्यादा फेमस नहीं है, इट्स नॉट कमर्शलाइज। बस ये लोकल लोग ही जो पास में रहते हैं, वो लोग ही इस एरिया को विज़िट करते हैं। तो आरुष नदी क्रॉस करते हुए, ऑल दो आरुष ने कभी ज़्यादा नदियाँ देखी नहीं है, बट ये पहाड़ी बच्चा है तो फिर ये आराम से नदी क्रॉस कर लेता है, उसको डर भी नहीं लगता है। चलो आरुष, चलो चलो, मम्मा भी आ रही है पीछे पीछे, कम ऑन। बहुत ही प्यारा नज़ारा और मौसम इतना प्यारा है आज, कल तक इतनी गर्मी थी। चलो आरुष, क्रॉस द रिवर। ओह माय गॉड, आई गेस वहाँ पर बहुत सारे डॉगीज हैं, आवाज़ आ रही है। वहाँ देखिए गाड़ियाँ भी हैं यहाँ, और मेरे पैर, मैं घर से लिटरली चप्पल पहन के आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रॉम्प्ट था। हम फ्रूट्स लेने जा रहे थे और हम वहाँ पहुँच गए। अरे चलो आ जाओ, आओ आरुष, कम घर से 2 मिनट के वॉकिंग रास्ते में, वॉकिंग डे के बीच में ये ब्यूटीफुल हेवन, जो लोग पूरा पूरा दिन ट्रैवल करके इतना पैसा लगा के पहुंचते हैं, हम ऐसे ही पहुंच जाते हैं। बस थोड़े यहाँ लोगों ने कचरा मचाया, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए ये सब नेचुरल है, नथिंग इज़ मैन मेड। यहाँ आजू बाजू की गायें यहाँ आती हैं। ये देखिए फिर से हम पानी में उतरते हुए, आप बंदर, ओ माय गॉड, मंकीज भी हैं यहाँ। कहीं हमारे में अटैक, हमारे में अटैक हो गया। डोंट गो देयर, स्लिपरी होगा। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ये ग्रास जो है इसका मैदान है और यहाँ पर गाय जो है वो चरती रहती है। साइड में जंगल भी है और यहाँ पर एक आपने अभी जो नदी देखी वो भी है, तो काफ़ी सुंदर लगता है ये सब कुछ नेचर। देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। कल तक यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी देहरादून में, बट आज बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। चलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर, 5 मिनट का पिकनिक इज़ ओवर बिकॉज़ ये वर्किंग डे है और हम लोग बीच में आए थे फ्रूट्स लेने। और सो फाइनली हम निकल चुके हैं, पार्किंग में पहुंच चुके हैं और हम यहां से निकलते हैं। तो यहीं पर हम आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।